गुड इवनिंग, मैं आपका होस्ट विकास आपका अपने चैनल एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्रिपल सी फरवरी 2017 रिजल्ट सो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2017। तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि जिन्होंने फरवरी 2017 में रिजल्ट एग्ज़ाम दिया था ट्रिपल सी का, तो काफ़ी लोगों का मेल आया कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, आपने बताया था कि 19-20 तक आ जाएगा। तो उसके लिए संदर्भ में मैंने एनआईआरटी को ट्रिपल सी को मेल किया, तो ये देखिए मैंने 21 तारीख को मेल किया था, सर आई हैव टेक एग्ज़ाम इन फरवरी एग्ज़ाम साइकिल एंड रिजल्ट इज डिक्लेयर बट आफ्टर फिल डिटेल सो इनवैलिड रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एग्ज़ाम साइकिल, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये मैंने एप्लीकेशन नंबर एक स्टूडेंट का दे दिया था। तो उन्होंने मैंने कहा कि सर मैंने फरवरी में एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट अभी तक शो नहीं हो रहा है। सो मतलब आपने नोटिफिकेशन दे दिया है चाहे वेबसाइट पे कि 14 मार्च को एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है, बट जब हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल फिल कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो वहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड शो। तो उसके बाद अगले दिन उनका रिप्लाई आया 22 तारीख को कि देख लें आप लोग क्या मेल आया है। डियर कैंडिडेट, द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल सी एग्ज़ाम फरवरी 2017 इस रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एक्सपेक्टेड, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2017। थैंक यू ट्रिपल सी टीम एनएलटी हाई हेडक्वार्टर। तो ये उनका रिप्लाई आया है। तो मैं आपको बता दूं, उनके द्वारा कहा गया कि ये आपका रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है ऐसा, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट अप्रैल में भी टर्नओवर हो सकता है। तो उसके लिए हम आपको निरंतर अपडेट देते रहेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। फेसबुक पेज पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी टेक वीडियो गुरु पे। एक बात और बता दें आपको कि कल हमारा चैनल सस्पेंड हो गया था किसी कारणवश से, कि किसी लोगों ने ज़्यादा फ्लैग कर दिया हो या जो भी किया हो, तो ऐसा कोई कंटेंट हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं था, हम तो सिर्फ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने फिर एनआईआरटी को मेल किया कि सर आप प्लीज़ मेरा चैनल देखें, अगर आप कुछ गलत लगता है तो आप मेरा चैनल इनेबल डिसेबल कर सकते हैं परमानेंटली। तो फिर उन्होंने मेरा चैनल रिव्यू किया, उसके बाद फिर उन्होंने मेरा अकाउंट फिर से रिन्यू कर दिया है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है और मेरे लिए भी, क्योंकि आप मुझसे जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली न्यूज़ मिलती रहे। तो ये तो आपके लिए न्यूज़ थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे कि ये ओ लेवल का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।